अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. कैसे हैं भाई सब लोग? जल्दी जल्दी से सारे स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं. सो वेलकम टू अनअकैडमी. लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स. एंड हमेशा की तरह हमारा आज का सेशन है सवाल जवाब का सेशन, और आज का सेशन बहुत ही शानदार है. सो जल्दी से सारे स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं, जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि जल्दी से हमारे शानदार से सेशन को हम स्टार्ट कर सकें. यस, दीपिका शर्मा जी वेरी गुड इवनिंग. डोन जी, अंजलि तिवारी, अंजलि तिवारी ए बी गुड इवनिंग. ज्योति पोडिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया. दीनानाथ जी भी आ चुके हैं. चलिए भाई जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आ जाए बाकी भी. ओके सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 3000 वर्ड्स का हमारा टारगेट है, जिसको हम कैसे याद करेंगे? जी हाँ, सवाल जवाब के थ्रू लाइव क्विज से याद करेंगे. सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए. टीचिंग एक्सपीरियंस 3 इयर्स, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुकी हूँ, और काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मैंने क्लियर किए हैं. और हमारा जो सेशन रहता है वो 9 o'clock रहता है. लाइव क्विज का सेशन रहता है, डेली लाइव सेशन. सो ये टेलीग्राम ऐप है जो आपको इंस्टॉल करनी है अपने फोन में, और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ये लिंक आप एंटर करते हैं, सो आपको मिलता है अनअकैडमी की तरफ से सारी अपडेशंस, जैसे कि मेरे लाइव सेशन कब आ रहे हैं, अदर एजुकेटर्स के लाइव सेशन कब आ रहे हैं, इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी. हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग उदय सिंह, अंजलि तिवारी, हरिंद्र कुमार, गुलशन रामवत्रा जी, सोनू कुमार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग. बाकी सभी को भी बुला लो, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आ जाओ, ताकि जल्दी से सेशन को शुरुआत करें हम. ओके सो ये है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो आपको इंस्टॉल करनी है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको चूज करना है अपना गोल. आपका जो भी गोल है, जैसे कि एसएससी एग्जाम्स है या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसके बाद सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी एजुकेटर्स को, रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है, लाइव क्लासेस में डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर आप बहुत बिजी हैं तो वीडियो को डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं. इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिलते हैं वीकली एंड मंथली, और रेफरल कोड रहेगा पिंकी लाइव. इसकी खास बात यह है कि 10% का डिस्काउंट मिलता है ये कोड यूज करने पे, और मेरे अलावा बाकी सभी टीचर से भी आप पढ़ सकते हैं. ओके टोनी स्टार्क जी वेरी गुड इवनिंग, प्रणाम. मुकेश कासवा जी हेलो. रजत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग. बाकी सभी भी आ जाओ भाई जल्दी से. और फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है पहले ही सवाल का जवाब. ओके यस यस, शिवशंकर शर्मा जी मैं देख पा रही हूँ आप जुड़ चुके हैं. क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है. ओके यस यस यस, जल्दी आंसर करो यार, क्या बात है क्या बात है, मतलब आज इतना लेट आंसर नहीं आया मुझे अभी तक. 40 स्टूडेंट्स लाइव हैं, 45 स्टूडेंट्स लाइव हैं. यस मुकुल श्रीवास्तव जी बहुत ही बढ़िया, यस शानदार, ब्रिलियंट स्टूडेंट सबसे पहले आंसर किया है ऑप्शन सी. शिल्पा गोरी जी भी बोल रहे हैं ऑप्शन सी, दीपिका शर्मा बोल रहे हैं ऑप्शन सी, मुकेश कासवा जी ऑप्शन सी, अंजलि तिवारी ऑप्शन सी, क्या बात है. यस यस यस, बहुत ही बढ़िया. लेकिन मैं आपको बता दूं, सारे स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है, वो है दीनानाथ प्रजापति जी. बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस, अति सुंदर. यस यस, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. टू वेस्ट टाइम और टू डू समथिंग स्लोली, यानी कि जो लोग अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, या फिर किसी भी चीज को काफी स्लो मोशन में, है ना, काफी धीमी गति से जो लोग चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको डेली कहा जाता है. थैंक यू कौशल कुमार जी, थैंक यू सो मच. आप कौशल कुमार जी बोल रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती, थैंक यू सो मच. अगर ऐसा है तो सारे स्टूडेंट्स एक लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और एक लाइक के साथ शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की. चलो भाई, तो बाकी के वर्ड्स देखते हैं जल्दी से क्या होता है. डिस्ट्रीट, डिस्ट्रीट का मतलब होता है जो लोग बहुत ज्यादा बेपरवाह होते, कोई फिक्र नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, काफी बेपरवाह टाइप के ये लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ही केयरलेस भी होते हैं ये लोग. डिस्ट्रेट का मतलब होता है बेपरवाह होना. डायग्रेटिया, डायग्रेटिया क्या होता है, बहुत ही शानदार वर्ड है डायग्रेटिया, इसका मतलब होता है भगवान की कृपा से, है ना, जो वर्ड बहुत बार हम यूज करते हैं जनरली लैंग्वेज में कि भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा,
एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे, है ना, भगवान की कृपा से। तो जाय ग्रेटिया का मतलब होता है वही, भगवान की कृपा से। ओके, यस यस यस। मेलनचेंडा, इसका मतलब क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग होना, गलत फहमी होना, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस प्रभुनाथ जी, आप आ गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। वन हु कैन नॉट बी क्योर्ड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, मुजरिम जो पार पार क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, अपनी हरकतों से पास नहीं आता, उस क्रिमिनल को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यस अक्षय कुमार जी, ऑप्शन बी। शिल्पा गोरे, ऑप्शन डी। मुकुल श्रीवास्तव आशंका जताते हुए बोल रहे हैं कि बी मे बी। ओके, डोन जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी। ओके, मुकुल श्रीवास्तव आप फिर से दावा ठोकते हुए कह रहे हैं ऑप्शन बी। स्वराज साहू, ऑप्शन बी। क्या बात है, क्या बात है, सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। इसका मतलब ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। यस, रेसिडिव वेस्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वो मुजरिम क्रिमिनल जो बार बार क्राइम्स करता है, ठीक है, रिपीटेड टाइम्स जो क्राइम करता है, वो होता है आपका रेसिडिविट। ओके, डाइवर्टिंग का मतलब आपको पता ही होगा, एंटरटेनिंग एंड अम्यूजिंग। ओके, एंड फुल हार्डी, इसका मतलब क्या होता है? टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, दुस्साहसी, जो फालतू की रिस्क लेता है, बेबुनियाद रिस्क उठाता है, फुल हार्डी, बेवकूफ एक तरीके से। ओके, एंड इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो का मतलब होता है जो लोग अपनी असली पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी असली पहचान छुपाते हैं, अपना रियल नाम नहीं बताते हैं, वो आपके क्या होते हैं? इनकॉग्निटो। क्लियर है सभी को? यस यस सचिन कुमार जी, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ये देखिए, मैंने लॉक किया हुआ है ऑप्शन बी को, ऑप्शन डी नहीं है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट का आंसर देंगे जल्दी से। ओके, स्वराज साहू जी बोल रहे हैं सीपीओ का रिजल्ट कैसा रहा भाई, आपका रिजल्ट बताइए, जरूर जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस। नेक्स्ट नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से। वन हु हैज एन रिस्टेबल आर टू स्टील, इसका मतलब क्या होता है? जिनको आदत होती है चुराने की, जो काफी ज्यादा चीजें चुराते, चोर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाँ जी, अक्षय कुमार जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि लाइक करेंगे सारे स्टूडेंट सेशन को, जो भी देख रहे, जिनको अच्छा लग रहा है सेशन, वो जरूर एक लाइक करेंगे। ट्रिक से बताएं, ग्लोरियस कौरव जी आपको कौन सा वर्ड याद नहीं हो रहा है, मुझे बताएं जरा। ओके, अक्षय कुमार जी बोल रहे हो ऑप्शन बी, मुकुल श्रीवास्तव बोल रहे हो ऑप्शन डी, यस कमला पसंत जी बोल रहे हो ऑप्शन डी, क्या बात है, क्या बात है, यस 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 यस। देखो देखो, जिनका आंसर ऑप्शन बी है, यस उनका आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यानी कि क्लेप्टोमेनियक लॉक कर दिया जाए। यस, क्लेप्टोमेनियक वो लोग होते हैं जिनको चोरी करने की काफी ज्यादा आदत होती है ना, जहां भी जाते हैं बस कुछ ना कुछ तो चोरी करने के लिए चाहिए, थोड़ा सा तो खिसका ही लेते हैं, वो आपके क्या होते हैं? क्लेप्टोमेनियक होते, काफी शौक होता है उनको चोरी करने का। यस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट का आंसर अभी मत दे, थोड़ा सा रुक जाए। इम्पेरिशेबल को देखते हैं क्या होता है। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है दैट कांट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वो आपका क्या होता है? इम्पेरिशेबल। ओके, मैक्रैकिंग क्या होता है? किसी फेमस पर्सन को क्रिटिसाइज करना, बेसिकली उस पर कीचड़ उछालना, उसको बदनाम करने की कोशिश करना, भरी सभा में उसके ऊपर आरोप लगा के उसको बेइज्जत करने की कोशिश करना, फेमस पर्सन को क्रिटिसाइज करना, वो आपका क्या होता है? मैक्रैकिंग। ओके, स्कैम मंगर क्या होता है? देखो, स्कैम मंगर होता है बेसिकली जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं, ठीक है, झूठी अफवाहें फैला के लोगों को भड़काते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आतंक फैलाते हैं, वो आपके क्या होते हैं? स्कैम मंगर होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप प्रतीक तला जी, ये इम्पेरिशेबल का सिनोनिम आप कर सकते हैं। ओके, नहीं, इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल का मतलब आपका दैट कांट बी डिस्ट्रॉय, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यस, डिमोलिश का मतलब ही डिस्ट्रॉय का, हाँ, ढह जाना, ढह जाना, किसी बिल्डिंग का ढह जाना डिमोलिश होता है। यस यस, हाँ, डिफेम, डिफेम का मतलब ही बदनाम करना होता है, आप डिफेम के सेंस में इसको यूज कर सकते हैं प्रतीक तालाजी।
ओके नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, अ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन मैनेजमेंट। जो लीगल पनिशमेंट यानी कि जो कुछ स्टडी करते हैं जो लीगल पनिशमेंट के कि क्या सजा दी जानी चाहिए, क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए, और जो कैदी हैं उनको वहां रखने की जो मैनेजमेंट होती है उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है। यस डोन जी बोल रहे हैं पेनोलॉजी, अक्षय जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी, स्वराज साहू बोल रहे हैं ऑप्शन डी, यस प्रभुनाथ जी भी बोल रहे हैं ऑप्शन डी डी डी। क्या बात है क्या बात है, सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर बिल्कुल दे रहे हैं सही। तो आज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तो आई थिंक वर्ड्स थोड़े से ठीक है, मैंने इतने ज़्यादा टिपिकल वाले नहीं लिए हैं। ओके यस तो पेनोलॉजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लीगल पनिशमेंट और प्रिजन मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है पेनोलॉजी। क्लियर है सभी को, बहुत ही बढ़िया। क्रिमिनोलॉजी नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर क्रिमिनोलॉजी दे रहे थे, ठीक है क्राइम से रिलेटेड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्रिमिनोलॉजी होगा, क्रिमिनोलॉजी इसका नहीं होगा। क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ओके एस्ट्रोलॉजी है तो आपको पता ही होगा, स्टडी ऑफ पोजिशंस ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्टार्स एंड प्लेनेट्स एंड द वे दैट सम पीपल बिलीव दे अफेक्ट पीपल एंड इवेंट्स, कि उनका मानव जीवन और घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी स्टडी करना। ओके क्लियर है सभी को। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम की स्टडी करना, ये भी बहुत बेसिक आपको पता होगा। ओके चलिए नेक्स्ट के ऊपर। यस सो नेक्स्ट आपका है बहुत ही शानदार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग, शॉपिंग के दौरान चोरी करना उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं इसका सही और सबसे पहले कौन आंसर करता है। यस स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग, शॉपिंग के दौरान चोरी करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। कमला जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए, सुशांत जी ओके हेलो सुशांत जी, डीना गोरे जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी, प्रभुनाथ ऑप्शन डी, जिज्ञासु क्यूरियस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शन सी, ट्रैवल जी बोल रहे हैं ऑप्शन सी, यस यस यस, प्रवीण कुमार दावा ठोकते हुए बोल रहे हैं कि मैम ऑप्शन सी होगा। देखते हैं प्रवीण कुमार जी इस बार आपका दावा बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस। यस 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 ऑप्शन सी यानी कि शॉपलिफ्टिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शॉपलिफ्टिंग वो लोग होते हैं जो शॉपिंग के दौरान चीजें चुरा लेते हैं, है ना, बेसिकली ऐसे ही लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगे होते हैं, है ना, जो बाद में पकड़े जाते हैं तो काफी उनको बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। इसी सिचुएशन में शॉपलिफ्टिंग होता है, शॉपिंग के दौरान चोरी करना। क्लियर है ओके। विंडो शॉपिंग क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत बार हम शॉपिंग तो करने जाते हैं लेकिन बस प्राइस टैग देख करके और छोड़ देते हैं कि नहीं बाद में लेंगे, है ना, घूमने जाते हैं ट्राई करके देखते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं, डीपी भी लगा लेते हैं, लेकिन हम कभी भी वो सामान परचेस नहीं करते हैं, वो आपका होता है विंडो शॉपिंग। क्लियर है सभी को ओके। गुलशन कुमार जी ने आज बिल्कुल सही आंसर दिया था, बहुत ही बढ़िया गुलशन कुमार जी। बर्गलर क्या होता है, देखो बर्गलर का मतलब होता है बिल्डिंग में घुस के चोरी करना, ठीक है, बिल्डिंग में घुस के क्या करना, चोरी करना। हाँ जी प्लैगरिज्म मीन्स पोयम की चोरी, पोयम की चोरी नहीं, एक्चुअली जो राइटर जो भी आइडियाज लिखते हैं, जो भी आइडियाज जो भी चीजें वो लिखते हैं उनकी वो कॉपी कर लेना, ठीक है, किसी ऑथर के द्वारा लिखी किसी पोयम का आइडियाज का कॉपी कर लेना वो आपका प्लैगरिज्म होता है। ओके क्लियर है यस। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से, मैन हुज वाइफ इज अनफेथफुल टू हिम, जब किसी की वाइफ धोखेबाज निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है। यस जो धोखा दे देती है, मैन हुज वाइफ इज अनफेथफुल टू हिम उसको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है उस धोखेबाज वाइफ के बारे में। यस ट्रैवल जी बोल रहे हैं ऑप्शन सी, ओके सुरेश बाबूजी बोल रहे हैं ऑप्शन बी, स्वराज साहू बोल रहे हैं ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार इस बार आशंका जताते हुए बोल रहे हैं मैम ऑप्शन बी मे बी। यस 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 क्या बात है प्रवीण कुमार जी, क्या बात है, मतलब आपका दावा के साथ साथ आपकी आशंकाएं भी आपकी पॉसिबिलिटीज भी बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यस 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 शानदार परफॉर्मेंस। कहाँ गया मेरा पेन भाई, मेरा पेन जब देखो मिस्टर इंडिया हो जाता है। यस कुकल्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुकुल जो है बेसिकली
उसको बोला जाता है जो धोखेबाज वाइफ होती है, अपने हस्बैंड को धोखा दे देती है, चीट करती है, ठीक है उनका मतलब, हाँ आप उस वे में आप समझ सकते हैं, जो मतलब धोखा देना वो आपका क्या होता है, अनफेथफुल होना यानी कि कुकर्ड। ओके एलोप क्या होता है, एलोप होता है भाई जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, वो आपका एलोप होता है। ओके एंड 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 कॉन्कुबिनेज क्या होता है, कॉन्कुबिनेज का मतलब होता है शादी से पहले साथ में रहना, ठीक है जो लोग बिना शादी के साथ में रहते हैं वो कॉन्कुबिनेज होते हैं। ओके एंड 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 सुरेन, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सुरेन का मतलब क्या होता है, तो सुरेन का मतलब होता है अ वमेन हु इज अट्रैक्टिव बट डेंजरस, वमेन जो काफी अट्रैक्टिव है बट काफी डेंजरस है, अगर आपने कुछ बोल दिया उसको तो समझो कि आप गए काम से। ओके यस यस प्रवीण कुमार जी बताएंगे पीडीएफ के बारे में, सेशन के एंड में बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वन वर्ड्स की ओर, वन हु पेस टू मच अटेंशन टू हिज क्लोथ्स एंड अपियरेंस, उसको क्या कहा जाता है जो काफी ज्यादा कंसर्न रखता है फैशन और स्टाइल को लेकर के। कुछ लोग होते हैं ना, बाकी कुछ परफेक्ट हो ना हो लाइफ में, चाहे कुछ कैसा चल रहा हो नहीं चल रहा हो, लेकिन स्टाइल, पर्सनालिटी, फैशन, ये सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ओके 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 यस 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 मुन्ना सिंह जी ने सबसे पहले आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन बी, ट्रैवल्स जी बोल रहे ऑप्शन सी, विकेश जी बोल रहे ऑप्शन बी, जिज्ञासु क्यूरियस ऑप्शन ए, स्वराज साहू ऑप्शन ए। अब मे बी ए, प्रवीण कुमार फिर से आशंका जताते हुए ऑप्शन 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 ए, यस 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 ग्लोरियस जी बोल रहे ऑप्शन डी, क्या बात है क्या बात है। इस बार सारे स्टूडेंट्स ए बी सी आंसर दे रहे, सारे कंफ्यूज हैं। देखो यार इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, यस जिन स्टूडेंट्स ने आंसर ए दिया था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रभुनाथ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैंडी, डैंडी वो लोग होते हैं जो काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं किस चीज को लेकर के, काफी स्टाइल के मामले में, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, फैशन के मामले में, स्टाइल के मामले में, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बस काफी ज्यादा अटेंशन लेना इस चीज को लेकर के, तो वो डैंडी होते हैं। ओके सेवंट क्या होता है, वन हु नोज अबाउट अ सब्जेक्ट, अबाउट सब्जेक्ट मतलब कि जो विद्वान लोग होते हैं, काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं किसी भी विषय के बारे में, वो आपके क्या होते हैं, सेवन। ओके ओके गुलशन कुमार जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक था, गुलशन कुमार जी आपने लेट शायद आंसर किया है इसीलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाई थी, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए जल्दी आंसर करने के बारे में। ओके मलिंगर क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मलिंगर वो लोग होते हैं जो बेसिकली काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना करते हैं, जैसे ही किसी काम के लिए फोन आया, सॉरी आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सामने से बोलते कोई बात नहीं भाई कल कर देना, यार मेरी तबीयत कल भी खराब ही रहने वाली है, चलिए अगले एक हफ्ते तक मैं बीमार हूं। ओके तो इस तरीके से जो बीमारी का बहाना बना के काम को टालते हैं वो आपके क्या होते हैं, मिलिंगर। ओके नर्सिसिज्म क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं, बेसिकली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, यस नर्सिसिज्म कहा जाता है। ओके अरे दीना गोरे जी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कहाँ कर रहे हैं आप, मैं बताती हूँ आपको सेशन के एंड में बताऊंगी कहाँ से क्या करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ जल्दी से, पैथोलॉजिकल बिलीफ दैट वन इज इनहैबिटेड बाय एन इविल स्पिरिट, दिमागी दिमाग में ये सोचना, पैथोलॉजिकली ये सोचना कि कोई है, कोई आत्मा वात्मा है जो आसपास ही भटक रही है, हमारे ही आसपास में भटक रही है, ऐसा कुछ सोचना, ठीक है दिमागी रूप से ये बिलीव करना बेसिकली कि कोई बुरी आत्मा है उसके आसपास, उसको क्या कहा जाता है। यस अभिषेक जी आप आंसर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपका नाम लूंगी। जिज्ञासु क्यूरियस जी बोल रहे ऑप्शन बी, अभिषेक जी बोल रहे ऑप्शन बी, डोन गुआ जी बोल रहे ऑप्शन बी, यस सजल कुमार ऑप्शन ए, दीपक कुमार ऑप्शन ए, क्या बात है क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सारे स्टूडेंट्स आज तो, क्या बात है बहुत अच्छा खेल रहे हो यार तुम लोग आज तो। यस तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यस यस जिन्होंने आंसर दिया था ऑप्शन ऑप्शन बी उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, कैकोजे मोनोमोनोमेनिया यानी कि
इसका मतलब क्या होता है? पैथोलॉजिकली यानी कि दिमागी रूप से ये बिलीव करना बेसिकली कि कोई बुरी आत्मा है जो आसपास ही भटक रही है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है एग्जैक्टली. तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. ओके क्लियर है. एनोसीमेनिया क्या होता है? देखो यार, एनोसीमेनिया होता है पैथोलॉजिकली दैट हैज वन हैज सिंड, दैट मतलब कोई पर्सन जो पैथोलॉजिकली ये सोचता है कि वो पापी है, उसने पाप किया है, उसने कुछ गलती की है, वो गलत है, ठीक है. जो लोग ऐसा सोचते हैं एनोसीमेनिया होते हैं. ओके ओके मोहित भास्कर जी का भी आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक था भाई. मोहित भास्कर जी बहुत बहुत बधाई हो आपको. थियोमेनिया क्या होता है? ये तो यार बहुत बेसिक आपको पता ही होगा. थियोमेनिया जो खुद को भगवान समझते हैं. ओके मैनिया लगा इसमें, ध्यान रखना. मैनिया वाले जो लोग होते हैं ना वो खुद को भगवान समझते हैं, सबसे सुपीरियर खुद को समझते हैं, वो आपके क्या होते हैं? थियोमेनिया. ओके 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 मेट्रोमेनिया. मेट्रोमेनिया देखते हैं क्या होता है. मेट्रोमेनिया होता है एन ऑब्सेशन फॉर राइटिंग वर्स, यानी कि जिनको कविता लिखने का बहुत ज्यादा शौक होता है, अपने सुख दुख की सारी कहानियां वो कविताओं में लिख डालते हैं, वो आपके क्या होते हैं? यस मेट्रोमेनिया होते हैं. ओके ओके जिज्ञासु क्यूरियोसिटी क्लियर है. नेक्स्ट नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से. नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा देंगे जल्दी से. एक्सेसिव फियर ऑफ डार्कनेस, जिनको अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है. रात का अंधेरा होते दुबक के बैठ जाते, कोना पकड़ लेते हैं. जो लोग इतना ज्यादा डरते हैं अंधेरे से उनको क्या बोला जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है. प्रवीण कुमार जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी सबसे पहले आंसर करते हुए. और स्वराज साहू जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए. अभिषेक जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी. मोहित भास्कर जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी. जिज्ञासु क्यूरियस ऑप्शन डी. क्या बात है क्या बात है क्या बात है. यस 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 यस. तो जिनका आंसर ऑप्शन यस, मैं आपको एक बात बता दूं, सभी का आंसर बिल्कुल गलत है. यस 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 क्या बात है. गुलशन कुमार जी क्या बात है, मतलब बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस, अति सुंदर. बी और डी गुलशन कुमार जी का आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन बी एंड डी यस बिल्कुल ठीक हो जाएगा. क्या बात है, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम हो गया है, यानी कि जिज्ञासु क्यूरियस जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है. ओके जी जिज्ञासु जी यस यस, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही सेम है. तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए बी एंड डी, जिन्होंने ऑप्शन ए एंड डी दिया था उनका भी ठीक है, बी एंड डी दिया था उनका भी ठीक है. कोई बात नहीं डोंट जी, हो जाता है क्वेश्चन एरर. ये एक ऑप्शन में शायद डालना भूल गई हूँ इसी वजह से. ओके तो जिनको अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है, जो अंधेरा होते दुबक के बैठ जाते अपने घर में, उनको क्या बोला जाता है? ये निक्टोफोबिया एंड लाइगोफोबिया. अब देखो नेमोफोबिया कौन होते हैं, तो नेमोफोबिया कौन होते हैं? नेमोफोबिया वो लोग होते हैं जिनको मेमोरी से काफी ज्यादा डर लगता है ना, मतलब कि कुछ ऐसी यादें जिनके बारे में सोच के ही डर लगता है ना. कुछ ऐसी यादें, हर किसी के लाइफ में कुछ कड़वी ऐसी यादें होती हैं जिनको सोच के काफी ज्यादा सहम जाते हैं लोग, उनको बोला जाता है नेमोफोबिया. ओके चले हम नेक्स्ट पे. यस जल्दी से बताइए. ईट समथिंग हरिडली एंड नॉइसली, जो हाँ जी यादें मेमोरीज कोई भी आप कर सकते हैं. हाउ टू जी हाँ आनंद गौर जी बोल रही मैम ब्रेकअप की यादें, बिल्कुल आप जोड़ सकते हो इस चीज को. ब्रेकअप हो गया है तो वो काफी कड़वी यादें हैं, ऐसी यादों को कोई भी याद नहीं करना चाहता है. उससे क्या होता है, फोबिया ही हो जाता है यार. जब भी याद आती है ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है, बस उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, इस क्यों का जवाब ढूंढने लग जाते हैं आप, है ना. थैंक यू सो मच. सुमित कुमार जी बोल रहे मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते. सुमित कुमार जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, और जो स्टूडेंट्स मेरे सेशन को लाइक करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. बहुत सारी शुभकामनाएं उन स्टूडेंट्स के लिए, डेफिनेटली वो एग्जाम क्रैक करेंगे बहुत अच्छे से. बेस्ट विशेज. तो सारे स्टूडेंट्स सेशन को जरूर जरूर लाइक करेंगे. यस अंकित प्रजापति जी बोल रहे हैं ऑप्शन सी. स्वराज साहू जी बोल रहे हैं ऑप्शन सी. ओके ओके मैं आपको बता दूं, इस ये भी स्पेशल क्वेश्चन है, और मेरी क्लास का जो स्पेशल क्वेश्चन होता है उसका मतलब आपको पता है ना. यस 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 समझ गए होंगे सारे स्टूडेंट्स स्पेशल क्वेश्चन का क्या मतलब है. यस कहाँ है जिज्ञासु क्यूरियस जी, आंसर दीजिए.
प्रवीण कुमार जी बोल रहे हैं मे बी बी एंड डी होगा। नो प्रवीण कुमार जी, एक सेकेंड एक सेकेंड। यस 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 यस। और कोई और कोई? नो 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 नो। देखो यार, अभी तक किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया है। कैसे हो सकता है ऐसा? कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना इजी क्वेश्चन है। मतलब नो 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 नो, किसी भी स्टूडेंट का सही आंसर नहीं आया है। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं अनाउंस करती हूँ पूरे 10 लाख रुपए का नगद इनाम, जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा। लेकिन सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। 10 सेकेंड के अंदर देखते हैं कौन इसका सही आंसर कर पाता है। नो 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 नो, थोड़ा सा नजदीक पहुंच गए हैं प्रवीण कुमार जी, थोड़ा सा। नन ऑफ दीज नहीं है इसका आंसर प्रभुनाथ जी, नन ऑफ दीज इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। यस, क्या बात है क्या बात है। मतलब एक सेकेंड। यस 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 यस, आशु कुमार जी, आशु कुमार जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस, अति 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 सुंदर, बहुत ही बढ़िया, मतलब गजब कर दिया आपने। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही था, वो है आशु कुमार जी। इनको मिलता है 10 लाख रुपए का नगद इनाम। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी एंड डी, यानी कि गॉबल हो गया, गल्प हो गया एंड गजल हो गया। ऑप्शन बी सी एंड डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यस प्रभुनाथ जी, अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है। मतलब यस गोबल। तो जो लोग काफी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, आवाज करके चप चप करके जो खाना खाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गोबल, गल्प एंड गजल। थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है। गोबल का मतलब तो होता है जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और आवाज करके पच पच करके खाना खाते हैं ना, थोड़ा सा नॉइसी नॉइसी करके। और गल्प का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में खाने पीने की चीजों को गटागट करके निकल जाना, है ना, जो गटागट करके बस आधा चबाया थोड़ा चबाया बस फटाफट फटाफट जो निगल जाते हैं लार्ज अमाउंट में। और गजल होता है तेजी से खाना खाना। तो ये तीनों ही सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके, ओके। और गैबल का मतलब क्या होता है? गैबल का मतलब होता है टू टॉक सो फास्ट दैट पीपल कांट हियर यू क्लियरली एंड अंडरस्टैंड कंप्लीटली। कि इतना फास्ट बातें करना, फटाफट फटाफट इतनी तेज से बातें करना कि सब कुछ ऊपर से निकल जाए, कुछ समझ में ना आए, उसको बोला जाता है गैबल, ठीक है। बहुत ही फास्ट बोलना कि कुछ समझ में नहीं आए। अरे गुलशन कुमार जी, मिल जाएंगे आपके पैसे, मिल जाएंगे यार। नहीं मैं आपको गरीब, ओके। नहीं, गजल का मतलब तेजी से खाना खाना होता है, तेजी से खाना खाना। ग्रेडी तो नहीं बोल सकते, हाँ खाने के लिए ग्रेडी बोल सकते हैं हम उसको। यस नेक्स्ट का आंसर देंगे जल्दी से। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट का आंसर दो यार, पैसा मिल जाएगा आपका, आंसर दे जल्दी से। पहले बैप्टिज ऑफ फायर, बैप्टिज ऑफ फायर का सही मतलब क्या होगा? आंसर यस, डोन जी का आंसर सबसे पहले आया, ऑप्शन सी, क्या बात है। ओके ओके ओके, आशु कुमार जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए, विक्रम सिंह बोल रहे हैं हेलो हेलो, अंकित प्रजापति जी ठीक है मैम ए, आशु कुमार फिर से दावा ठोकते हुए ऑप्शन ए, क्या बात है क्या बात है। यस यस, सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए। ओके सो जिन स्टूडेंट्स का आंसर है ऑप्शन यस 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 यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भाई। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग यूजली बैड, पहला ही ऐसा एक्सपीरियंस जो काफी बैड एंड काफी दैट इज वेरी डिफिकल्ट जो है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? बैप्टिज्म ऑफ फायर। ओके हाँ जी, ए होगा प्रवीण कुमार जी, दावा ठोकते हुए आपने बोला था, आपका दावा बिल्कुल सही साबित हो गया है। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से, बेस्ट प्रिवेंट अकर 692, 692 का सबसे पहले आंसर देखते कौन करता है। यस यस, मोटिवेशन जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए। डोन जी बोल रहे हैं बैप्टिस्ट। अरे बताएंगे पहले आप आंसर पे, एडियम्स के हिंदी पे ना जाए, एडियम्स की हिंदी पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ आंसर पे ध्यान दें। अभी मैं आपको हिंदी बता दूंगी तो आप क्या हुआ, ये जब एडियम आएगा ना तो आप एग्जाम में फिर इसी से रिलेटेड ढूंढोगे और फिर बाद में आप गलत करके आओगे। स्वराज साहू जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार इस बार
आशंका जताते हुए ऑप्शन सी। ओके, मोटिवेटर जी बोल रहे ऑप्शन डी, अंगद नहीं आता, स्वराज साहू ऑप्शन बी। यस 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 यस, देखो देखो देखो, जिन स्टूडेंट्स का आंसर था ऑप्शन बी, यस उनका आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वंस बेस्ट क्लोथिंग, अच्छी तरह से ड्रेसअप होना किसी ओकेजन पे, बेसिकली जो काफी अच्छी तरीके से ड्रेसअप होते हैं वो आपका क्या होता है, बेस्ट पीप एंड टका। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पे। यस, सो नेक्स्ट आपका एटीएम है, इट इज डबल टच। ओके ओके ओके, नेक्स्ट कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट का आंसर सही दीजिए, नेक्स्ट का आंसर सही देंगे उनका नाम का अनाउंस करूंगी मैं। यस, राम तिरुपति जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए। ओके ओके, राम तिरुपति जी फिर से दावा ठोकते हुए ऑप्शन ए। ओके, अंकित प्रजापति जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। विक्रम सिंह बोल रहे हैं ऑप्शन सी। आशु कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन डी। गौरव सिंह ऑप्शन डी। यस यस, सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इसका आंसर दे रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। ईडियम्स तो आप सही खेल लेते हैं, यानी कि दिक्कत होती है तो वन वर्ड्स में और सिनोनिम्स में, है ना। देखो डबल डच इसका मतलब होता है स्पीच और राइटिंग दैट कांट बी अंडरस्टूड, ऐसी राइटिंग या स्पीच जो समझ में नहीं आए उसको बोला जाता है डबल डच। ओके क्लियर है? हाँ जी मनीष यूनिक जी, आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से, सीमर डाउन। सीमर डाउन का मतलब क्या होता है? यस, शेटू जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी। राम तीरथ वर्मा जी ऑप्शन ए। यस यस, मनीष जी बोल रहे हैं अरे मिलेंगे यार पैसे मिलेंगे, टेंशन मत लो। ओके, जिज्ञासु क्यूरियस बोल रहे हैं ऑप्शन बी, क्या बात है क्या बात है। अंकित जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी। यस, देखो यार इसका जो सही आंसर होगा दैट इज जिन्होंने आंसर दिया था, यस 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 ऑप्शन डी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। यस आशु कुमार जी बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दावा ठोकते हुए प्रवीण कुमार जी ने बोला था बिना किसी डाउट के, इस बार तो आपका दावा बिल्कुल सही साबित हो गया है। ऑप्शन डी, टू गेट क्वाइट और काम, ठीक है, शांत होना, शांति का दान बाबा, शांति का दान, टू गेट क्वाइट और काम, ये आपका हो जाएगा सीमर टाउन। ओके चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जल्दी से, नेक्स्ट जी जल्दी से देखेंगे। हाई एज ए काइट इसका सही आंसर क्या होगा? राम तीरथ जी सबसे पहले आंसर करते हुए ऑप्शन सी। ओके, शीतू जी बोल रहे हैं डी बट नॉट श्योर, आशंका जताते हुए। ओके, बाकी बाकी बताएंगे जल्दी से, बहुत इजी है यार। अंकित जी बोल रहे हो ऑप्शन सी, शीतल जी बोल रहे हो ऑप्शन बी, मुकुल श्रीवास्तव ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार इस बार आशंका जताते हुए ऑप्शन बी। ओके ओके, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है, एक स्टूडेंट का आया है, दैट इज स्वराज साहू जी। बहुत ही बढ़िया स्वराज जी, काफी अच्छा खेले हैं आप इस क्वेश्चन को। यस, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आपने ये तुक्का नहीं लगाया था। हाई इज ए काइट का मतलब होता है ड्रंक एंड ड्रग्ड, नशा और शराब पीने वाला, बेसिकली जो शराब पी के एकदम नशे में धुत पी के टल्ली जिसको बोलते हैं, एकदम हाई इज ए काइट होता है वो आपका। आई होप कि आपको ये याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ जी जी क्या सुख जी, आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डोन जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, मनीष जी कार लेनी है आपको, ठीक है ठीक है, ले लीजिएगा, मिल जाएगी मिल जाएगी। हाँ जी अंकित बोरा जी, सब कुछ होता है अनअकैडमी पे, आपको सब कुछ मिलता है, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारी चीजें करवाई जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से, एज इट टेक्स टू वाटर इसका सही मतलब क्या होगा? यस, अंकित जी बोल रहे हैं आशंका जताते हुए ऑप्शन ए। ओके, और कोई? मुकुल श्रीवास्तवा बोल रहे हैं ऑप्शन डी। ओके, प्रवीण कुमार इस बार फिर से डाउट में है, मे बी मैम ए बी हो सकता है इसका आंसर। यस 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 यस, थैंक यू सो मच विक्रम सिंह जी, थैंक यू सो मच। मुकुल श्रीवास्तव ऑप्शन डी, आशु कुमार ऑप्शन बी, क्या बात है क्या बात है। जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया, काफी स्मार्ट है, इजी एंड नेचुरली। मेरा पेन फिर से मिस्टर इंडिया हो गया लग रहा है। यस यस यस, इजीली एंड नेचुरली, यानी कि टू लर्न वेरी क्विकली एंड इजीली, जो लोग
चीजों को काफी ज्यादा क्विकली सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, वो आपके क्या होते हैं एज इट टुक ट्रिक्स टू वाटर। क्लियर है सभी को? जितने भी स्टूडेंट सेशन देख रहे हैं प्लीज 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 एक लाइक जरूर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट सेशन को लाइक करेगा तहे दिल से मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपके एग्जाम के लिए और आपके अच्छे भविष्य के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रवीण कुमार जी हमारी तारीफ करते हुए। नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर देंगे जल्दी से, टू गिव दैट आवर हिस्ट यू, देखते हैं इसका आंसर कौन सही से देता है। यस yes, हेमंत जी का आंसर ठीक गया, बहुत बहुत बधाई हो हेमंत जी आपको। ललित कुमार जी सबसे पहले आंसर करते हुए ऑप्शन बी, ओके और कोई? थैंक यू सो मच नलिन गोप जी, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। हाँ जी मनीष जी, आप जैसे शुभचिंतक लोगों की वजह से ही हम हमारा भला हो रहा है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। यस शीतनु जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी, अक्षय कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन ए, अंकित प्रजापति ऑप्शन सी, क्या बात है। प्रवीण कुमार फिर से डाउट में बोल रहे हैं ऑप्शन बी, ओके ओके ओके, यस यस यस, किसी का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है तो किसी का आंसर ए आ रहा, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने आंसर बी दिया था बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस, अति सुंदर, यस अति अति सुंदर, 100% ठीक है। टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन, यानी कि ऐसे पर्सन को क्रेडिट दे देना चाहिए कभी कभी जो जो नोटोरियस कुख्यात व्यक्ति कुछ, मतलब जिनको हम इस काबिल नहीं समझते हैं कि वो हमारे लिए कभी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कभी कभी वो लोग भी कुछ अच्छा काम हमारे लिए कर जाते हैं, तो उनको बोला जाता है चूंकि जावल हिस्स ट्यू, ओके। यस उज्जवल कुंडू जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक था, बहुत बहुत बधाई उज्जवल जी आपको। नेक्स्ट पे चले, यस नेक्स्ट का आंसर आपका है मेक वंस फ्रेश क्रिप, इसका सही आंसर देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करते रहेंगे, वीडियो लाइक करते रहेंगे, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा, मैं और अच्छा आपके लिए और बेटर करती रहूंगी, और तहे दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों के लिए जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। रोहित रंगा जी बोल रहे हैं ऑप्शन डी, शीतल गुरा जी बोल रहे हैं डी मैम, जिज्ञासु क्यूरियस बोल रहे हैं ऑप्शन डी, अशोक कुमार दावा ठोकते हुए बोल रहे हैं ऑप्शन डी, यस यस यस, क्या बात है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। प्रवीण कुमार जी भी दावा ठोकते हुए कह रहे हैं कि मैम ऑप्शन डी होगा, क्या बात है, इस बार प्रवीण कुमार जी फिर से दावा ठोकते हुए। सो इसका जो सही आंसर होगा, यस 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 बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन बी, यानी कि टू फ्लैटर सम, सॉरी 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 सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन डी है, तो आपका दावा गलत हो गया है जिसने भी दावा किया था। आशू कुमार जी बताएंगे आपको, अच्छे अच्छे टिप्स देंगे, डोंट वरी, सेशन के एंड में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, बिल्कुल भी फिकर ना करें। यस हाँ जी हाँ जी, शीतलु जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेक वंस फ्रेश क्रिप, इसका मतलब होता है किसी को बेसिकली डराना, टू फ्राइटन समवन, ठीक है, टू फ्राइटन समवन यानी कि किसी को डराना धमकाना, वो आपका क्या होता है, मेक वंस फ्रेश क्रिप, ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर, यस दो एडियम्स है हमारे लास्ट बस। सो फर्स्ट आपका एडियम है ट्रायंगल ओवर एन एस शेडो, ये आपसे पूछा जा रहा है, देखते हैं इसका सही आंसर और सबसे पहले आंसर कौन करता है। अंकित प्रजापति जी थोड़ा सा कोशिश कीजिए पहले आंसर करने के बारे में, तो डेफिनेटली मैं आपका आपका नाम लूंगी, आंसर करें जल्दी से। यस yes, अंकित प्रजापति सबसे पहले आंसर करते हुए ऑप्शन ए, जिज्ञासु क्यूरियस ऑप्शन ए, डोंट जी बोल रहे हैं ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार फिर से डाउट में है इस बार, मे बी ए हो सकता है, मनीष जी बोल रहे हैं नो आइडिया, कोई बात नहीं, उज्जवल जी ऑप्शन ए, यस 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 यस, क्या बात है क्या बात है, सारे स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन ए दे रहे हैं यार, यस बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस, मतलब कि ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका क्या होगा, सॉरी 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 यार, तुम लोगों की बातों में आके क्या चक्कर है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसका ऑप्शन सी है सही आंसर, यानी कि टू आर्ग्यू ओवर ट्राइफल्स, टू आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल मैटर्स, ठीक है ये इसका सही आंसर, वहां पर आर्ग्यूमेंट करना जो कि मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर क्वेरल करना, आर्ग्यूमेंट करना ऐसे मुद्दे पर जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका क्या होता है, टू रैंगल ओवर एन एस शेडो, ओके कोई बात नहीं हेमंत जी, अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके नलिन गोपी जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक था भाई, बहुत बहुत बधाई हो नलिन गोपी जी आपको।
नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से. टू स्टील अ मार्च. ओके ओके. टू स्टील अ मार्च. हाँ जी प्रभुनाथ जी, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देते हो भाई बहन का झगड़ा. ये सब बोल सकते हैं भाई बहन के झगड़े को ऐसा, क्योंकि वो कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं होता है, कोई ऐसा जो पार्लियामेंट में पेश किया जाए इस लायक कोई मुद्दा नहीं होता है, फिर भी वहां पर काफी बड़े लेवल पे आर्ग्यूमेंट देखने को मिलती है, तो उसको आप कह सकते हैं टू रेंगल ओवर इन शेडो. यस ओके ओके. आंसर आ गया यार, क्या चक्कर है, मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दिए थे. ओके. आशु कुमार जी बोल रहे ऑप्शन सी. यस. शीतला जी बोल रहे ऑप्शन ए. आशु कुमार फिर से दावा ठोकते हुए ऑप्शन सी. क्या बात है क्या बात है. यस 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 यस. ठीक है भाई ठीक है. अंकित कजर जी बोल रहे ऑप्शन ए. मुकुल श्रीवास्तव ऑप्शन डी. हरदेश जी बोल रहे ऑप्शन डी. टिम्पल राजपूत ऑप्शन डी. सारे स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं यार, क्या चक्कर है. अभी तक सही आंसर किसी ने नहीं दिया, क्या बात है. सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल ठीक था और वो है आशु कुमार जी. बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट स्टूडेंट, अति सुंदर, शानदार परफॉर्मेंस. यस आशु कुमार जी, सिर्फ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. टू आउटशाइन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई. यस प्रवीण कुमार जी, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है. ओके ओके. जिज्ञासु क्यूरो जी का भी आंसर ठीक है. थैंक यू सो मच उज्जवल कुंडू जी. यस देखो, टू आउटशाइन मतलब कि चमक के बाहर आना, किसी कंपटीशन में एकदम छा जाना, बस आप ही आप है और कोई भी नहीं है. लोग ऑटोग्राफ लेके खड़े हैं आपके सामने, एकदम आप ऐसी परफॉर्मेंस आपने दी है कि बस आप ही आप छा गए हैं पूरे पूरे स्टेज पे. जो भी प्रोग्राम चल रहा है, किसी भी की बात चल रही है, किसी कंपटीशन में जैसे आप छा जाते हैं बिल्कुल. टू आउट शाइन तो उसको बोला जाता है टू स्टील अ मार्च. ओके. जैसे कि अगर मानो आपका एग्जाम क्लियर हो गया है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक डिक्लेयर हो चुकी है आपके नाम से, तो उस वक्त आप क्या हो जाएंगे, टू स्टील अ मार्च यानी कि आउटशाइन, छा जाएंगे आप. बस जो रिश्तेदार आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, वो भी आपसे आके बात करेंगे बहुत ही प्यार से. और भाई कैसे हो, अच्छे हो ना, ध्यान रखना हमारे बच्चों का भी, है ना. यस डोन जी बिल्कुल सही बोल रहे, एकदम आग लगा देना जिसको बोलते हैं. यस हाँ जी उज्जवल कुंडू जी, डेली लाइव क्लास होती है हमारी, डेली लाइव होती है, इसी टाइम होती है. तो भाई आ गए हैं हम टॉप सिनोनिम्स पे. अब सिनोनिम्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है कॉर्पुलेंट, देखते हैं इसका सही आंसर सबसे पहले कौन देता है. हाँ जी हाँ जी. डोन जी बोल रहे अगर मैम ऐसा हो गया तो सब रिश्ता लेकर जाएंगे, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए ना डोन जी. ऐसा नहीं है जैकी कुमावत जी, जैकी जी ऐसा नहीं है. आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा यार. जो फर्स्ट रैंक लेते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं ना, वो कोई ऐसा तो है नहीं हमसे अलग होते हैं. इसी हवा पानी में वो लोग रहते हैं, इसी हवा पानी में हम रहते हैं. यस यस. ये आशु कुमार जी बोल रहे ऑप्शन बी. अंकित कैदयान जी बोल रहे ऑप्शन बी. गुलशन कुमार ऑप्शन सी. आशु कुमार ऑप्शन बी. यस यस. सोनू सिंह स्वराज साहू ऑप्शन बी. क्या बात है क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस. तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, कॉपुलेट. इसका मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होता है. यस बहुत ज्यादा फैटी होना. कुछ लोग होते हैं ना काफी मोटे होते हैं, गोलू मोलू से होते हैं, थोलू मोलू से, थुलमुल से मोटे होते हैं, फैटी होते हैं. गुगली गुगली वाले लोग जो होते हैं ना, काफी फैटी जो लोग होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कॉपुलेट. तो इसका सही आंसर यस यस. वेद प्रकाश जी, जीवन जीत जी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, यानी कि प्लम्प. बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस जिन्होंने ऑप्शन बी दिया था, वेरी नाइस. इमेसिएटेड देखते क्या होता है. इमेसिएटेड होता है एक्सट्रीमली थिन एंड वीक बिकॉज ऑफ इलनेस, लैक ऑफ फूड एक्सेट्रा. मतलब जो लोग काफी ज्यादा पतले होते हैं, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली थिन एंड वीक, किसकी वजह से, लैक ऑफ फूड की वजह से या फिर इलनेस की वजह से, उन लोगों को बोला जाता है इमेसिएटेड. ओके. कॉपीज क्या होता है, इन लार्ज अमाउंट, काफी ज्यादा अमाउंट में होना, इन लार्ज अमाउंट. और बाइसमल का मतलब होता है वेरी बैड एंड पुअर क्वालिटी, काफी बैड एंड पुअर क्वालिटी जो होती है. हाँ जी जेके जी, हम टेलीग्राम पे हैं, आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, अन अकेडमी लेट्स क्रेक एंड एस एस लेट्स क्रेक एस एस सी एंड रेलवे के नाम से टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से अचानवेट.
का मतलब बताएंगे, जल्दी से देखते सबसे पहले कौन आंसर करता है। 56 बच्चे हमारे साथ लाइव है, सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए, जो जो कमेंट करे कि उनको डेफिनेटली वो कैप गुरु हो जाएंगे, एक दिन आपको इतनी अच्छे से याद हो जाएगी, लेकिन सभी को कमेंट करना है। इस बार प्रवीण कुमार जी 70% श्योरिटी के साथ बता रहे हैं कि ऑप्शन होगा यस ए। ओके जिज्ञासु क्यूरियस, ऑप्शन ए एंड सी। अच्छा ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, इसके भी दो ऑप्शन है क्या? ओके यस यस, क्या बात है भाई, यस यस, ये स्पेशल क्वेश्चन है भाई, स्पेशल क्वेश्चन है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसका सही आंसर दे पाएंगे, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे डेफिनेटली वो होंगे जीनियस स्टूडेंट। अब देखते हैं कौन कौन जीनियस है। एक तो हो चुका है हमारी लिस्ट में शामिल जिन्होंने सही आंसर दिया था, अब देखते हैं दूसरा नाम इस लिस्ट में कौन लिखवाता है। सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। यस यस, जीवनीत कोजीवन जीत कौर जी, बहुत ही बढ़िया। एंड प्रदीप कुमार जी का भी आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक था, जिज्ञासु क्यूरियस जी। तीनों स्टूडेंट ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस, अति सुंदर। तो ऑप्शन ए एंड सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यस, यानी कि WTET एंड VTET, बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस। अटेनुएट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग वीकर, स्मॉलर और लेस इफेक्टिव, मतलब कि कमजोर बना देना, कम प्रभावशाली बना देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड सी। ओके डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? टू मेक समबडीज बॉडी एंड माइंड वीकर, किसी को बॉडी एंड माइंड से माइंड से कमजोर बनाना। ओके एंड विटिएट भी आपका क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, टू स्पॉइल समथिंग, विटिएट। तो ये दोनों ही आपके बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। अपीस का मतलब आपको पता है, शांत करना। एंड कंसर्नेशन का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, शॉक एंड वरी वाली जो फीलिंग होती है, अचंभित रह जाना, शॉक रह जाना। ओके यस, नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से और सेशन को लाइक करते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स। जो जो स्टूडेंट मेरे सेशन को लाइक करेगा, तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करती हूं और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू सो मच। नहीं, ए एंड सी दोनों सही है अंकित प्रजापति जी। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से कॉन्ट्रोवर्ट, यस ओके ओके, मोहित जी बोल रहे ऑप्शन ए, ओके शीतला जी बोल रही है ऑप्शन ए, जिज्ञासु क्यूरियस ऑप्शन ए, अंकित प्रजापति जी ऑप्शन ए, गुलशन कुमार ऑप्शन ए, ओके मोहित जी बोल रहे ऑप्शन ए होना चाहिए मैम, प्रवीण कुमार जी बोल रहे हैं ए होगा मैम, ओके ओके ओके, यस यस यस, कंट्रावर्ट बिल्कुल सही बोल रहे भाई, कंट्रावर्ट का मतलब ऑप्शन ए ही होगा, यस बहुत ही बढ़िया, सारे स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक था और होना भी चाहिए था, काफी इजी क्वेश्चन था। कंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी की बात को गलत ठहराना, किसी की बात को अपोज करना, उसका विरोध करना। ओके एंड 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 बर्गलर का मतलब क्या होता है? ये तो वही चोर होता है ना, जो थोड़ी देर पहले चोरी कर रहा था बिल्डिंग में घुस के, वही बर्गलर है ये, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट एक लीकर या क्रीम जिससे बेसिकली ब्लड के फ्लो को रोका जा सकता है ना, कोई भी लिक्विड या क्रीम विच इज एबल टू स्टॉप अ कट फ्रॉम ब्लीडिंग, वो आपका क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट। ओके वेरीफाई का मतलब आपको पता है, यू वेरीफाई करना टू चेक समथिंग इज ट्रू। ओके नेक्स्ट पे चलें, यस यस नेक्स्ट, नेक्स्ट का बताएंगे जल्दी से। हाँ जी हीरो कुमार जी, सारे SSC के वर्ड्स SSC के भी हैं, बैंकिंग के भी हैं, और जहां जहां इंग्लिश आती है सब जगह ये वर्ड्स यूज होते हैं आपके। ओके कोलेरिक का मतलब बताएंगे जल्दी से, क्या होता है कोलेरिक? कोलेरिक यस यस यस, सी किसने दिया? सी टिम्पल राजपूत जी बोल रहे हैं ऑप्शन सी, ओके यस यस यस, योगेश सिंह जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए। हाँ जी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। इंट्रूडर का मतलब भी वही होता है आपका, घुसपैठिया, जो घुस जाते हैं ना बिना परमिशन के, जो घुस जाते हैं वो इंट्रूडर होते हैं आपके। एरोगेंट, एरोगेंट क्या बात है, क्या बात है। कोलेरिक, कोलेरिक देखो यार, कोलेरिक क्या होता है आपका? देखो मेरा पेन फिर से शायद मिस्टर इंडिया हो गया है, यस कोलेरिक। तो कोलेरिक
कोलेरिक का मतलब आपका बेसिकली क्या होता है? ये वाला वर्ड शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल पर्सन जो होते हैं ना, बैड टेम्पर्ड जो काफी मतलब कि चिड़चिड़ा स्वभाव जिनका होता है वो आपके क्या होते हैं, कोलेरिक होते हैं। ओके, यानी कि इसका सही आंसर आपका क्या है? यस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होता है? बहुत ज्यादा जिद्दी, घमंडी होना, जो मतलब काफी चिड़चिड़ा सा जिसका नेचर होता है, छोटी छोटी बातों पे जो मुंह फुला लेते हैं, ठीक है, तो उन फुले हुए मुंह को कहते हैं पीविश, सॉरी, उन मुंह फुले लोगों को कहते हैं पीविश। हाँ जी, एग्जाम्पल देते हैं, किसका एग्जाम्पल देना, पीविश का एग्जाम्पल देना है। इसका क्या एग्जाम्पल यार, इजी सा वर्ड है ये तो, जो छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप गर्लफ्रेंड को ले लीजिए, है ना, छोटी छोटी बातों पे जिनका मुंह फूल जाता है। ओके, आजकल ऐसे सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, आजकल ऐसे बॉयफ्रेंड की प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेता है। तो उन फुले हुए मुंह को, उन फुले हुए मुंह के लोगों को बोला जाता है पीविश। ओके, एरोगेट तो घमंडी लोग होते हैं यार, जो खुद को हमेशा दूसरों से बेटर समझते हैं, बस हम ही बेटर है, बाकी सब पागल है, बाकी सब बेवकूफ है। हाँ जी, ओके, एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है यार। और पीविश, डिफरेंस देखो जी, क्या सूझी, एरोगेंट होता है जो घमंडी होता है, जो हमेशा खुद को सुपीरियर समझता है दूसरों से, और पीविश वो होता है जो जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेता है, उसको घमंडी नहीं बोल सकते हम, है ना। यानी कि इसको आप घमंडी बोल दोगे तो यार फिर तो वही वाली बात हो गई ना, कि हर गर्लफ्रेंड या फिर हर बॉयफ्रेंड फिर घमंडी हो गया, है ना, हर दोस्त घमंडी हो गया, क्योंकि दोस्त भी ऐसे ही होते हैं हमारे, छोटी बहन भी ऐसी होती है, छोटे भाई भी ऐसे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेते हैं ना। ओके, एमी खीवल क्या होता है यार? ये तो फ्रेंडली नेचर होता है जिनका, काफी अच्छा नेचर होता है, फ्रेंडली नेचर होता है जो, वो आपके एमी केबल होते हैं, डिसेप्टिव, ये धोखेबाज लोग होते हैं। ओके, चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है दैट इज कॉन्स्ट्रू, आपकी स्क्रीन पे जल्दी से देखते हैं कॉन्स्ट्रू, इसका सही आंसर कौन देता है? ओके, जल्दी जल्दी से पहले आंसर दे यार, जल्दी से। ओके, यस 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 यस, मोहित जी सबसे पहले आंसर करते हुए, ऑप्शन सी। तिम्पाल जी बोल रहे हो ऑप्शन ए, योगेश सिंह ऑप्शन सी, जिज्ञासु क्यूरियस ऑप्शन ए, तिम्पाल जी ऑप्शन ए, क्या बात है क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यस 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 यस, देखो कॉन्स्ट्रू, सो कॉन्स्ट्रू का सही आंसर आपका हो जाएगा, जिन्होंने दिया था आंसर ए, इंटरप्रेट, उसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस। यस, हाँ जी, ऑप्शन ई होगा। प्रवीण कुमार जी, आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही साबित हो गई है। सो कॉन्स्ट्रू का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, इन पर्टिकुलर वे में किसी भी चीज का मीनिंग अंडरस्टैंड करना, समझना, किसी चीज का अर्थ समझना, इंटरप्रेट। ओके, एंड 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 अनरिच क्या होता है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी, फ्लेवर, एक्सेट्रा ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वालिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना, उस पे चार चांद लगा देना, इनरिच। इम्पावेश क्या होता है? टू मेक समथिंग पुअर और लोअर इन क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को काफी ज्यादा कम कर देना, ठीक है, गरीब बना देना एक तरीके से, आपका क्या होता है? यस, इम्पावेश। कंटामिनेट, ये तो आपको पता ही होगा, टू मेक समथिंग इम्प्योर, यानी कि प्रदूषित कर देना। ओके, क्लियर है सभी को? बताएंगे अक्षय भगत जी, लास्ट सेशन के लास्ट में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं सारी चीजें आपको बता के जाऊंगी। ओके, सारे डाउट्स लूंगी आपके, बिल्कुल टेंशन मत ले। अभी थोड़ा सा बस हमारे चार वर्ड्स और बचे हैं, एक बार इनको देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कस। एमेंसिपेट नेक्स्ट बताएंगे, जल्दी से देखते कौन सबसे पहले आंसर करता है। प्रभुनाथ जी, ब्लर करना, एमेंसिपेट, नो 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 नो। मयंक जी बोल रहे ऑप्शन डी, तिम्पाई जी बोल रहे ऑप्शन डी, मोहित ऑप्शन बी एन डी। ओके, अशोक कुमार बोल रहे ऑप्शन बी एन डी, क्या बात है क्या बात है, नो 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 नो, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसका एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। हाँ जी, बताएंगे हेमंत यादव जी, बताएंगे सेशन के एंड में, बताएंगे सारी चीजें, बताऊंगी बहुत अच्छे से बताऊंगी, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ जी हाँ जी, जिज्ञासा क्यूरियस जी बोल रहे हैं फ्रीडम होना चाहिए इसका सही आंसर। देखो यार, देखो 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 देखो,
इसका जो सही आंसर होगा इमैन्सिपेट। इमैन्सिपेट का मतलब आपका क्या होता है पहले तो ये समझो, टू गिव समबडी द सेम लीगल सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स एज अदर पीपल। मतलब कि जो वो राइट्स देना बेसिकली जो सभी को मिले हुए हैं, यानी कि समानता होना, इक्वलिटी होना, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है इमैन्सिपेट। तो इसका जो सही आंसर होगा, यस जिज्ञासु क्यूरियस जी, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लाइब्रेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। हाँ जी ओके, है ना, मतलब कि इक्वल होना, सबका इक्वल होना, इक्वलिटी होना, वो आपका क्या होता है इमांसिपेट। डायरेक्शन का मतलब आपको पता है, स्पीच का मतलब आपको पता है, फ्रीडम का मतलब भी आपको पता है। हाँ जी तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, चले ओके। हाँ जी ज्योति रंजन जी बोल रहे मौलिक अधिकार होना, सभी को होना मौलिक अधिकार, यस यस। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से, अफेस। अफेस का मतलब बताओ जल्दी से क्या हुआ, कौन सबसे पहले आंसर करता, देखते हैं। यस जिज्ञासु क्यूरियस जी सबसे पहले आंसर करते हुए ऑप्शन डी, यस यस। तिम्पल राजपूत जी बोल रहे हो ऑप्शन डी। अभी अभी टाइम है ज्योति जी, अभी थोड़ा सा बचे हुए हैं, 3 4 वर्ड्स हमारे। तिम्पा जी बोल रहे ऑप्शन डी, प्रभुनाथ बोल रहे ऑप्शन डी, विकेश जी ऑप्शन सी, हीरो कुमार ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार फिर से आशंका में, डाउटफुल डी होगा मैम, देखते हैं भाई। सौरभ कुमार ऑप्शन सी, यूपी पुलिस जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑप्शन डी। मयंक गंगावत बोल रहे हैं ऑप्शन डी, क्या बात है क्या बात है। जिन स्टूडेंट्स का आंसर है यस ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है, यानी कि वाइप आउट। बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस, अति सुंदर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अफेज, अफेज का मतलब क्या होता है, टू रिमूव समथिंग, टू मेक समथिंग डिसअपियर, कुछ रिमूव करना, हटाना, तो यानी कि वाइप आउट करना आपका, ओके। कॉन्फ्रेंस तो आपको पता ही है, ऑफिशियल मीटिंग, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए कॉन्फ्रेंस होती है ना, जैसे वो। ह्यूमिलिएट क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना, किसी के इंसल्ट करना, वो आपका क्या होता है ह्यूमिलिएट, ओके। एंड 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 कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है, टू शेप ऑफ द आउटर सरफेस, टू शेप आउट, शेप ऑफ द आउटर सरफेस, ओके। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट पे, एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से एम्बेजलमेंट क्या होता है, एम्बेजलमेंट। रजत जी ओके, ज्योति जी बोल रही ऑप्शन बी, ओके ओके। जिज्ञासु क्यूरियस ऑप्शन बी, हीरो बोल रहे हैं ऑप्शन बी, मयंक गंगावत ऑप्शन ए, यस 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 यस, जगदीश ऑप्शन बी, मोहित ऑप्शन ए, आशु कुमार ऑप्शन ए। हाँ जी हाँ जी शीतल जी, करते हैं हम क्लोज टेस्ट भी करेंगे, एक बार हमारा वोकैब का टारगेट कंप्लीट हो जाए फिर करते हैं। मोहित जी बोल रहे ऑप्शन ए, जिज्ञासु क्यूरियस दवा ठोकते हुए मैम ऑप्शन ए होगा, ओके ओके। केशव भारद्वाज जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये नेवी से सेलेक्टेड है, ओके ऑप्शन ए, ठीक है भाई। देखो एम्बेजलमेंट, जिन्होंने इसका आंसर दिया था ऑप्शन नंबर, यस 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 यस, किसने दिया था सही आंसर पहले मैं देखूँ, एक स्टूडेंट ने दिया था, सिर्फ एक स्टूडेंट ने। मिस हो गया मुझसे, मिस हो गया, किसने दिया था भाई, देखो स्पेशल क्वेश्चन है ये, स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने अनाउंस नहीं किया था। एम्बेजलमेंट, दो ऑप्शन है इसके, अब बताओ मुझे सही आंसर क्या होगा, स्पेशल क्वेश्चन है मैंने बोला ना, और स्पेशल क्वेश्चन हमारे सेशन का कैसा होता है ये आप सभी को पता है, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर वाला। यस जिज्ञासु क्यूरियस जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, नहीं जिज्ञासु जी आपका निशाना, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये ओक्यूलेशन नहीं है एक्चुअली, ये पेकुलेशन है, यहाँ पर पी आएगा, ओके अब बताएंगे सही आंसर। यस 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 प्रवीण कुमार जी एंड एंड जिज्ञासु जी एंड एंड एंड, और किसका आंसर सही है, बस सिर्फ दो स्टूडेंट्स का आंसर सही है, रजत जी का भी आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस, अति 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 सुंदर, क्या बात है, मतलब यस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बहुत ही बढ़िया, एकदम सही आंसर है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है फ्रॉड करना, गबन करना, चोरी करना, तो लाइसेंसी का मतलब भी क्या होता है, चोरी करना, और पेक्यूलेशन क्या होता है, फ्रॉड करना यानी कि गबन करना, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल 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 ठीक है।
हाँ जी, लसेंसी का मतलब लार्सेनी का मतलब, लार्सेनी का मतलब भी आपका चोरी करना होता है। इरिटेशन का मतलब तो आपको पता ही है, एंड आउटडेटेड का मतलब भी आपको पता ही है, दैट इज नॉट इन यूज। ज्योति रंजन जी बोले कोई टाइम को रोको, क्या हो गया है ज्योति रंजन जी, आप ऐसा कैसे बोल रही हैं। हरीश कुमार जी सही आंसर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपका आंसर, आपका नाम इंक्लूड करूंगी। मयंक गंगावत जी, ऑप्शन वो गलती से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था मुझसे इसी वजह से। ओके 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 ओके, यस ठीक है समझ गई मैं। नो 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 नो, हेडोनिस्ट जी ऐसा नहीं है, हेडोनिस्ट जी नाम है इनका। हेडोनिस्ट का मतलब बताएंगे मुझे क्या होता है, हेडोनिस्ट जी आप मुझे अपने नाम का मतलब बताएंगे, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके लिए। रजत जी बोल रहे ओके ओके, थैंक यू। तिम्पति जी बोल रहे ऑप्शन डी, तिम्पल सॉरी तिम्पल राजपूत जी बोल रहे ऑप्शन डी, अक्षय जी बोल रहे ऑप्शन डी, तिम्पल राजपूत फिर से ऑप्शन डी, मोहित भास्कर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बी, यस 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 यस, क्या बात है। देखो यार, कन्वर्सेंट इसका मतलब होता है जिन्होंने दिया था आंसर। आंसर मेरा पेन कहाँ मिस्टर इंडिया हो गया यार, यस यस यस, ऑप्शन डी बहुत ही बढ़िया, यस बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन डी यानी कि एक्वेंटेड। सो कन्वर्सेंट का मतलब होता है फैमिलियर होना, फैमिलियर विद समथिंग, नोइंग अबाउट समथिंग, जानकार होना, परिचित होना, किसी चीज के बारे में जानकारी होना, वो आपका क्या होता है, दैट इज कन्वर्सेंट। क्लियर है सभी को। सिंश्योर का मतलब देखते हैं अब क्या होता है। देखो सिंश्योर क्या होता है, किसी को गलत काम करने पे बेसिकली क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना, किसी को बोलना कि आपने ये गलत किया, उसको क्रिटिसाइज करना उस चीज के लिए, वो आपका क्या होता है, सिंश्योर। ओके, इनहेरिटेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा, विरासत में मिलना, मनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा दैट यू आर इन इनहेरिट। ओके ठीक है, यस यस। गिल्ट का मतलब भी आपको पता ही है, गिल्टी फील होना है ना, मतलब आपने आपको दोषी मानना। ओके किमेरिकल, नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से, किमेरिकल का सही आंसर देखते हैं कौन सा स्टूडेंट देते हैं, कौन स्टूडेंट सही आंसर करते हैं किमेरिकल का। बहुत ही शानदार वर्ड है किमेरिकल, और ये जो क्वेश्चन है ये सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले का नाम अनाउंस किया जाएगा विद द अवार्ड ऑफ सेशन ऑफ द डे के अवार्ड के साथ। यस यस यस, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, इसमें किसी भी स्टूडेंट का तुक्का सही नहीं लगने वाला है, ये मैं पहले ही बोल देती हूँ। तो सही आंसर सोच समझ के दीजिएगा, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है, उसके बाद मैं नाम अनाउंस करूंगी। आई होप कुछ स्टूडेंट का आंसर तो बिल्कुल ठीक आएगा ही आएगा। आ, 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 अभी तक किसी का भी आंसर नहीं। प्रवीण कुमार जी, इस बार आपका दावा गलत साबित हो गया है प्रवीण कुमार जी, बहुत ही खेद की बात है ये। नहीं मयंक जी, यस रजत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हेडोनिस्ट का मतलब आपने बिल्कुल सही दिया है, हेडोनिस्ट जी अपने नाम का जवाब नहीं बताया आपने। देखो अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। नो 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 नो, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है यार, कैसी बातें कर रहे हो। जिज्ञासु जी थोड़ा सा नजदीक आप पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी मिस्टेक आपने कर दी है यार, मतलब क्या बात है, मतलब इस बार कोई भी सेशन ऑफ डे में नहीं आएगा क्या। यस यस यस, प्रवीण कुमार जी बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस, अति सुंदर, क्या बात है, मतलब गजब, अति 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 सुंदर, बहुत ही बढ़िया। प्रवीण कुमार जी को मिलता है सेशन ऑफ द डे का अवार्ड से, उनको सम्मानित किया जाता है, बहुत ही बढ़िया। प्रवीण कुमार जी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ भी हैं, बट आज का हमारा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन का सही जवाब देने वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, दैट इज प्रवीण कुमार, बहुत ही बढ़िया। तो आंसर होगा हमारा ए बी एंड सी, फैंसीफुल, अनरियल एंड मिथिकल, इसका बिल्कुल 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 सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्रवीण कुमार जी, थैंक यू सो मच। ओके नहीं, राज्यपाल किसी पार्टी से नहीं होता है सुमित शर्मा जी, सी मैम फर्स्ट आई सेंट, सुरेश बाबू जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, मैंने सबका कमेंट बहुत ध्यान से देखा था। डी क्यों नहीं है, देखो विजनरी, विजनरी का मतलब क्या होता है आपका,
हैविंग ग्रेट प्लान्स फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए काफी अच्छे कुछ ज्यादा प्लान्स होना, भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बनाना, वो आपका विजनरी होता है बेसिकली, ठीक है। और केमेरिकल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। केमेरिकल होता है काल्पनिक, ठीक है, कुछ ऐसा इमेजिनेशन दैट इम्पॉसिबल टू अचीव, कुछ कुछ ऐसे इमेजिनरी जो कि अचीव नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसी कल्पनाएं, वो होता है केमेरिकल। फैंसीफुल भी ऐसी ही इमेजिनरी होता है। मिथिकल तो वो मिथ होते हैं जो कभी सच नहीं होते, जिनका सच से कोई लेना देना नहीं होता। अनरियल भी क्या होता है? जो रियल नहीं होता है। सो केमेरिकल का सही आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। ओके, जिनका आंसर गलत था कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत मौके मिलेंगे यार, हमारा सेशन डेली होता है, आपको रोज ऐसे मौके मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ओके, ओके, चलो भाई, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल के सेशन में करेंगे। जाने से पहले सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक करके जाएंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आपका जो भी फेसबुक ग्रुप है वहां पर शेयर करेंगे। उन स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, कुछ स्टूडेंट्स वोकैबलरी के लिए पूछ रहे थे। देखो यार, मैं डेली आपको बुक्स बताती हूँ, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए फिर से बता देती हूँ मैं। वोकैब के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है? वर्ड पावर मेड इजी ले लेना। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देती हूँ। वोकैब के लिए एक तो आपको लेनी है, ऑफ ऑफ क्या लिख रही हूँ मैं, वर्ड पावर मेड इजी। ओके, अगर अगर आप रूट वर्ड से पढ़ना चाहते, देखो बहुत ही शानदार बुक का नाम बताने जा रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि रूट वर्ड से आपको याद करना है, तो एक बुक आती है वर्ड बूस्टर के नाम से, श्याम शर्मा की बुक है ये, वर्ड बूस्टर के नाम से आती है, श्याम शर्मा की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। इसमें जो है, थैंक यू सो मच हेडोनिस्टी, थैंक यू सो मच, इसमें जो है सारी वर्ड्स रूट वर्ड से दिए हुए हैं, इसमें सब कुछ है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका, एडियम फ्रेजेस आपका, और फ्रेजल वर्ब हो गई, और सारे ये सब कुछ दिया हुआ है आपको उसमें, ठीक है। प्रभु नाथ जी बोल रहे सेशन अति अति सुंदर रहा, मैं थैंक यू सो मच प्रभु नाथ जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी बात पे लाइक ठोक देना सारे स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया। ओके, सो वर्ड बूस्टर आती है आपकी, एक वर्ड पावर मेड इजी है, ये दो बुक पढ़ लेना भाई, जो जो पूछ रहे थे ना बुक के लिए उनको मैं बता दे रही हूँ। एक एसपी बख्शी भी पढ़ लेना, ठीक है, ये तीनों बुक पढ़ लेना बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना, ये समझ लो ये तीन बुक आपने पढ़ ली ना, तो ये समझ लो कि समुद्र से टकराने की औकात आपकी हो गई है, अब कहीं से कुछ भी आ जाए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, क्या जानेंगे मोहित भास्कर जी हमारे बारे में आप, हम टीचर हैं स्टूडेंट्स की सेवा के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, हमारा तो बस यही काम है, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देना, जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें आपको सिखाना, बस यही हमारा मेन पर्पज है। ओके, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जरूरत नहीं है यूपी पुलिस जी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं है, कोई वर्ड सर्च करने के लिए यूज कीजिए बस, इतना इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो है ना, इंग्लिश आपका इतना टफ नहीं आता है, पहले जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराती थी बेसिकली सीफी, ठीक है, तो काफी उस टाइम पे आता था आपका टिपिकल, बट अब टीसीएस कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपके जो भी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर इतना टफ नहीं आता है। आप 18 का एग्जाम उठा के देख लेना, और अभी सीपीओ का भी उठा के देख लेना जो 19 वाला हुआ है, बहुत ईजी आया उसमें भी, तो इतना इतना हाई फाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहां से इतना पढ़ लेना बस, आप ये तीन बुक आप पढ़ लेना, मोर देन सफिशियंट है। हाँ जी, हाँ जी, हम अनअकैडमी पर ही पढ़ाते हैं मोहित भास्कर जी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरा प्लस पे भी कोर्स लॉन्च होने वाला है, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच रजत श्रीवास्तवा जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सौरभ कुमार जी, एसपी बख्शी बहुत ही अच्छी बुक है, एसपी बख्शी से लेकिन ग्रामर मत करना बिल्कुल भी, उसमें काफी सारी मिस्टेक्स दी हुई है, ग्रामर बिल्कुल भी मत करना एसपी बख्शी से, ग्रामर आपको कहाँ से करनी है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, बहुत ही अच्छी बुक है।
मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, ये वाली बुक से आपको ग्रामर करनी है। बस इस बुक को 5 बार कर लेना। 5 बार करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ जी प्रवीण कुमार जी, ग्रामर हम नहीं पढ़ाते हैं। यार आपको पता है ये, इस पे मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से। एमबी पब्लिकेशन तो बहुत बेस्ट है यार, आशु कुमार जी बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। एमबी पब्लिकेशन यार, ये वाली बुक तो किसी भी कीमत पे आपको पढ़नी। वो कैब के लिए 3 बुक पढ़ लेना, ग्रामर के लिए ये 2 बुक पढ़ लेना, बस मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जिसमें सारी ग्रामर दी हुई है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, 5 बार पढ़ लोगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है इंग्लिश में 50 में से 48 नंबर लेने के लिए। एमबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर है, पूरा प्रीवियस ईयर के सेट दिए हुए उसमें। आज तक जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सेट दिए हुए, डेली लगा लेना 2 सेट यार इसकी, एमबी पब्लिकेशन की परफेक्ट बुक है ये भी। नहीं यूपी पुलिस जी हम नहीं जाते हैं, जानते हैं हर्ष सर वाईफाई स्टडी पे, शायद पता नहीं आप किनकी बात कर रहे हैं। देखो हेडोनिस्ट, थोड़े बहुत एरर आपको मिल सकते हैं, थोड़े बहुत मिल सकते हैं, बट ज्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत हर बुक में मिलेंगे आपको, बट उसमें बहुत माइनर है। फिर भी सबसे ज्यादा एरर किरण की बुक में है, वो बिल्कुल गलती से भी मत पढ़ लेना आप। ठीक है, किरण की बुक में है काफी ज्यादा उसमें एरर दिए हुए, मैंने भी पढ़ी थी वो, उससे बहुत ज्यादा है, वो मत करना। एमबी पब्लिकेशन करना प्रीवियस ईयर, और मिरर ऑफ कॉमन 2 बुक ही करना, बस मोर देन सफिशिएंट है। ओके ओके थैंक यू सो मच रजत श्रीवास्तव जी, ये तो हमारा फर्ज है आपको गाइड करना और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। अच्छा, और किसी को कोई डाउट पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। पैरामाउंट, ओके बुक, इंग्लिश की बुक आप कहना चाह रहे रजत जी। प्लिंटू पैरामाउंट, देखो प्लिंटू पैरामाउंट अच्छी बुक है, नीतू मैम की बुक है, बट वो मैं क्यों सजेस्ट नहीं करती, मैं कभी कभी कर भी देती हूँ, बट इसलिए मैंने नहीं की क्योंकि आपका वो सारा कवर हो जाएगा जो आपकी नीतू मैम की बुक है, वो कैब सारी कवर हो जाएगी आपकी एसपी बख्शी में, और उसकी ग्रामर आपकी सारी कवर हो जाएगी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में। ठीक है, वो बुक आपका सारा यहीं पे कवर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। नहीं भी पढ़ोगे, ये सारी बुक्स कर लोगे, वो भी मोर देन सफिशियंट है, आपका हो जाएगा उसी के लिए। हाँ जी हाँ जी सौरभ जी, प्रैक्टिस के लिए आप एमबी के सेट जरूर आपको लगाने हैं, एमबी पब्लिकेशन के सेट तो जरूर जरूर लगाने हैं। और किस तरीके से लगाने हैं, एक क्वेश्चन है मान लो, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो ये चारों ऑप्शंस भी आपको करने हैं। ये मान लो अगर आंसर है, मान लो कि ये आंसर है, इसको छोड़ करके बाकी 3 जो ऑप्शन है उसको भी एनालिसिस करना है। ये होता है पढ़ने का बेस्ट मेथड। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा आगे चले, ऐसा कभी भी मत करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को पढ़ो, उसके बाकी ऑप्शंस देखो। प्रीवियस ईयर से जो रिपीट होते हैं, पता है कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, रिपीट ऐसे होते हैं कि मैरिकल का, जैसे मान लो ये आंसर है, मान लिया ये आंसर है, ठीक है, अगली बार ये 3 ऑप्शन थे, अगली बार जब पेपर बनेगा तो आपका ये वाला वर्ड उठा लिया जाएगा, जैसे कि ये वाला उठा लिया, या फिर ये वाला उठा लिया, या फिर ये वाला उठा लिया, इस तरीके से रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस। हेमंत जी, इंग्लिश के लिए जितना मैंने आपको बताया वो मोर देन सफिशियंट है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये पढ़ने के बाद ये मान लो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के इंग्लिश के लिए प्रिपेयर हैं पूरी तरीके से। ओके चलो भाई ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमारे कल के सेशन में। और हमारा जो सेशन होता है, जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं मैं उनको बता दूँ, 9 o'clock, 9 o'clock इन द इवनिंग डेली होता है, जिसमें हम क्या करते हैं लाइव क्विज, और 11 o'clock इन द मॉर्निंग, ये हमारा सेशन होता है डेली, जिसमें हम क्या करते हैं करंट अफेयर्स करते हैं। ओके उसी दिन से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके ओके प्रवीण कुमार जी, मैं समझ गई आपकी बात, चलो ठीक है, मैं इसके लिए जल्दी ही सॉल्यूशन निकालती हूँ। ओके मैं जल्दी ही आपको इन्फॉर्म करती हूँ इसके बारे में। ओके चलो भाई ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमारे कल के सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आपकी क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इससे आपको टाइम टू टाइम मेरे
क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, और टेलीग्राम ग्रुप भी है अन अकेडमी लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।